नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में कल क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीनरी बन रहा है अभी। फ्रेंड्स यहां पे आप चेक करोगे डाउ जोन्स तो 389 पॉइंट प्लस में है और SGX निफ्टी 55 पॉइंट प्लस में है और हमारा निफ्टी 16,340 पे क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 35,720 भी आज क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन में। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे, ये मैंने वन डे का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाया है, वहाँ से आप चेक करोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है, अगर कल फ्रेंड्स 35,720 पे क्लोज हुआ है और उसका हाई मारा है 35,761, अगर फ्रेंड्स कल इसको ब्रेक करेगा, हमारा कल पहला टारगेट आने वाला है फ्रेंड्स 35,900 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 36,139 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 36,320। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या 40-50 पॉइंट के बीच में ओपन होता है इस जोन में और बाद में अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये अच्छा खासा आपको चांस मिलेगा कॉल साइड में। और इस ज़्यादा गैप ओपन होता है बैंक निफ्टी कल 400-500 पॉइंट, तो वहाँ पे हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे और प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट हमारा बुलिश जोन में आ गया है फ्रेंड्स, तो डाउन के साइड में मैं आपको अब ट्रेड नहीं लूँगा अभी डायरेक्टली। पूरा पॉसिबिलिटी है ये कि गैप ओपन हो सकता है टुमारो। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है कल। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी ने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सस्टेन कर दिया है और यहाँ पे नीचे उसको एक सपोर्ट लाइन थ्रो किया है, उसका सपोर्ट मिल रहा है उनको निफ्टी में भी। और निफ्टी का आज क्लोजिंग हुआ है 16,340 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर कल टुमारो फ्रेंड्स उसने हाई मारा है 16,360 का हाइट मारा है, अगर कल फ्रेंड्स 16,370 निकलता है फ्लैट ऊपर होने के बाद, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 430 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका फ्रेंड्स 16,500 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है निफ्टी कल, क्योंकि पूरी बुलिश कैंडल बनी हुई है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो पूरी पूरी संभावना है कि कल दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी कॉल साइड में रहने वाली है, अपसाइड में रहने वाली है। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होती है निफ्टी 200-300 पॉइंट, तो हम प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे या फिर कोई शूटिंग स्टार के अंदर बनती है, जैसे कि ऐसी शूटिंग स्टार के अंदर बनती है फ्रेंड्स कल यहाँ पे हम चेक करूँगा, ड्रॉ करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, इसे बोलते हो शूटिंग स्टार के अंदर। तो यहाँ पे हम इसी लो का ब्रेक होने के बाद 5 मिनट की कैंडल में अगर शूटिंग स्टार के अंदर बनती है ऐसी, तो इसके नीचे हम ब्रेक करेंगे और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला, तो इसको ब्रेक करना कंपलसरी है फ्रेंड्स। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।